हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ आकाश प्रजापति। आज हम बात करने वाले डिप्लोमा मैथ्स 2 का जो नया सिलेबस आया है GTU का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, बराबर। तो ये वीडियो स्पेशली डिप्लोमा मैथ्स 2 के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो उसमें से दो जो है पार्ट है, यानी कि कुछ ब्रांच के लिए अलग है और दूसरे कुछ ब्रांच के लिए अलग है। तो कौन सी ब्रांच है जिसके लिए ये सिलेबस है? तो यहाँ पे बायोमेडिकल, कंप्यूटर, ईसी, इलेक्ट्रिकल, आईटी, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मेन ब्रांच है कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, ईसी, उस ब्रांच के लिए ये सिलेबस है। उसका कोड है 432002। ओके फ्रेंड्स, और दूसरी जो है केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, उनके लिए भी चैप्टर 4 सेम ही है। एक लास्ट चैप्टर जो है, बराबर, उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, बराबर। बाकी सारे चैप्टर 4 है वो सेम है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको जो सिलेबस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आपको चैप्टर समझा देता हूँ कि कितने चैप्टर है और किस तरह से है पूरा, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझाने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर आपको पहले करना है और कैसे फोकस करना है कि आप अच्छे मार्क्स लाओ और आपको पासिंग मार्क्स में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है? मैट्राइसिस, यानी कि मैट्रिक्स है। ओके फ्रेंड्स, तो आनु वेटेज भी अंदर डिराइव करेलू छे, बराबर, तुमने PDF में एक्सप्लेन करेलू छे। तो यहाँ पे बहुत ही इजी चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है? फर्स्ट चैप्टर आपको प्रिपेयर करना है मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड कौन सा है? डिफ्रेंशिएशन एंड एप्लीकेशन, એટલે કે વિકલન। આવી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ચેપ્ટર છે। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन, संकलन, એના ઉપયોગો, બરાબર। अगर सेकंड चैप्टर अगर आपको आता है तभी आपको थर्ड चैप्टर आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफ्रेंशिएशन आने वाला है, उसके बिना तो कुछ होने नहीं वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको सेकंड पहले करना है, उसके बाद 3 और 4th। फोर्थ वाला भी वैसा ही है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके लिए भी आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए। इसमें दो टॉपिक ऐसे हैं, बराबर, जो आपको इजीली कवर हो जाएंगे, जो इजी है, जिसके लिए आपको डिफरेंशिएशन आता है, तो दो टॉपिक आप कर सकते हो, बराबर। उसके बाद लास्ट चैप्टर, ये भी बहुत ही इजी चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, बराबर, संकर संख्या कहवाए इन्हें। तो जो कंप्यूटर, IT, इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर है। जो मैकेनिकल वाले हैं, केमिकल वाले, उनके लिए ये स्टेटिस्टिक वाला है चैप्टर नंबर 5। तो बच्चों, यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सारे चैप्टर की, कि कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ वो आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको 3 और 4 चैप्टर करना है। ओके, तो अभी हम वेटेज देखने वाले हैं। तो वेटेज कितना है देखिए ज़रा, कि चैप्टर नंबर 1 का 16 है, चैप्टर नंबर 2 का भी 16 है, और चैप्टर नंबर 5 का आपका 12 मार्क्स का है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे 12, तो 44 मार्क्स तो इजीली आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, बराबर। 44 मैं बता रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा ही हो गए, 50 मार्क्स तो आपको इजीली कवर हो जाएगा 3 चैप्टर में, बराबर। बाकी 2 चैप्टर जो है वो आपको कब आएंगे? जब आपको ये सेकंड चैप्टर आता होगा तब, क्योंकि उस पर ही डिपेंड है। ओके, तो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ पे आपको फोकस करना है। तो बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि भाई कौन से चैप्टर करें सर पहले, जैसे हमें पहले पास होने में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे मैंने बताया 1, 2 एंड 5, वो आपको पहले प्रिपेयर करने हैं। अभी बोलता है, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था कि सर क्या करें, कॉलेज में अभी मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ने में, डिप्लोमा मैथ्स 1 में भी थोड़ा पेपर ऐसा गया है। तो कुछ है जो बहुत सारे बच्चे मिस कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने एक कोर्स बनाया है, बराबर, जो डिप्लोमा मैथ्स 2 का यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कौन सा जो कोर्स है, जो हमारी प्रियेश्वर विद्यापीठ एप्लीकेशन है, वहाँ पे आप स्टोर में जाओगे तो आपका पूरा, आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। ओके फ्रेंड्स, तो इस कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा कि इस कोर्स में क्या है। सबसे पहले तो सारे जो चैप्टर्स हैं उसके वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, देखिए आप ज़रा, कि सारे जो चैप्टर है उसके वीडियो अपलोड कर दिए हैं मैंने। और सारा हमारा जो कोर्स है उसमें मैंने जो PDF है जिसको आपको प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि मैंने हैंड रिटन नोट्स है PDF वो रखे हुए वहाँ पे,
और GTU जो MCQ है वो जो पूछे हुए हैं 2019 तक पूरा 2019-2019 बजाज MCQ आ मटेरियल नी अंदर छे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने डेमो लेक्चर भी आपको अपलोड कर दिए हुए हैं, मैंने जो हैंड रिटन नोट्स है वो भी यहाँ पे अपलोड किए हैं, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो बराबर। डेमो वीडियो भी अपलोड हो चुके हैं, GTU का जो सिलेबस है वो भी अपलोड किया हुआ है, प्लस जो GTU ओल्ड पेपर थे जिसमें ये चैप्टर आते थे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उसमें किस टाइप के एग्जांपल पूछे हुए हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। फिर अगर मैथ्स 2 की बात करूँ तो साइन कॉस आने वाला है भाई, तो इसीलिए मैंने मैथ्स 1 का जो ट्रिगोनोमेट्री है त्रिकोणमिति वो आपको इस कोर्स में फ्री दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको फ्री में मिलने वाला है, उसमें जो सारे जो वीडियो है वो अवेलेबल है, तो आपको कोई भी जो बेसिक है अगर साइन का आपको साइन कॉस का बेसिक फंक्शन मालूम होना चाहिए तो उसके लिए आपको सेकंड और थर्ड वीडियो आप देख सकते हो, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वहाँ से, नोट्स है वो आप पढ़ लोगे, यहाँ पे सारे नोट्स है और ट्रिगोनोमेट्री का जो IMB फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं वो भी यहाँ से मैंने अलग से आपको अपलोड किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो सारा जो कोर्स है वो आपको अच्छे मतलब सारे कंटेंट के साथ मिल रहा है, और जो डिफरेंशिएशन है उसमें टोटल 11 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो सारे जो टॉपिक है यहाँ पे वो यहाँ पे मैंने रख दिए हैं, तो कंटेंट उसके बाद PDF भी है जो मैंने समझाया उसका, मेरी हैंड रिटन नोट्स है, तो सारे चैप्टर का जो कंटेंट है वो कंप्लीट रेडी हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे मैथ्स 1 में हमने बनाया था वैसे ही हमने मैथ्स 2 में बनाया है, और सर बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर मैं आपका ही कोर्स क्यों लूँ। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात को जो आपको टॉपिक वाइज वीडियो अवेलेबल है, दूसरा कि हमने जो हैंड रिटन नोट्स है मैं पिछले 5-6 साल से हमारे बच्चों को जो ऑफलाइन आ रहे हैं उनके लिए बनाया था वो आपके लिए अभी अवेलेबल है, और किसी बच्चे को चाहिए कि सर मुझे ये PDF है उसका मुझे मटेरियल चाहिए तो वो भी आपको कुरियर से मिल जाएगा बराबर। उसके बाद GTU में जो बहुत सारे एग्जाम्पल और MCQ है वो मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिए है, प्लस आपको जो होमवर्क के लिए डू इट योर सेल्फ बराबर कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो GT में पूछे हुए हैं और आपको होमवर्क में करना है वो सारे दिए हुए हैं, तो सारा कंटेंट आपको एक ही कोर्स में मिलने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन थी, तो कहाँ से आपको मिलने वाला है ये कोर्स, प्रियेश्वर विद्यापीठ एप्लीकेशन पे जाइए, उसमें स्टोर में जाइए, वहाँ पे आप डिप्लोमा मैथ्स 2 का कोर्स देख सकोगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।